Srikal and welcome back to my channel Rock and Roll with Ankita. Hey there, if you don't know me, I'm Ankita Mishra Narkar. I was ex-cabin crew and right now I'm a happy-go-lucky homemaker. So today I'm going to share with you a very authentic Odia appetizer. Appetizer के नाम से आपको क्या समझ में आता है, या फिर चलो उसको appetizer कम side dish ही कह लेते हैं. तो आपको एक इंडियन खाने के साथ आपको अचार, पापड़, ये नाम तो ज़रूर ही आते होंगे. अचार और पापड़ के साथ क्या आपको पता है कि हम मिर्ची को भी खा सकते हैं? जी हाँ, मिर्ची को हम एक ऐसे वे में बना सकते हैं जिसको एपेटाइज़र कम साइड डिश के तौर पे हम खा सकते हैं. तो चलिए आज मैं आपसे ऐसे ही एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो एकदम ही यमिलिशियस होती है, चटपटी होती है, थोड़ी सी तीखी होती है और एकदम मज़ेदार होती है. उसका नाम है नन अदर देन मेथी मिर्चा. इन ओडिशा वी कॉल इट मेथी मिर्चा एंड इट इज़ ऑथेंटिक ओडिया रेसिपी. सो चलिए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेथी मिर्चा कैसे बनाया जाता है. इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी गाइस. आप बना बना के घर पे रख लीजिए और जब भी मन करे थोड़ा सा एक दो तल के खा लीजिए. तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम देखते हैं रेसिपी ऑफ मेथी मिर्चा डन बाय माय मामा एट माय होम इन ओडिशा संबलपुर. चलिए देखते हैं कि वो कैसे बनता है. टू स्टार्ट विथ हमें सिर्फ मेथी सीड्स लेने हैं, उसको अच्छे से तवे में भून के उसमें नमक और ढेर सारा नींबू का रस डालना है. उसके बाद हम मिर्ची लेंगे, थोड़े मोटे मोटे आकार की मिर्चियाँ, और उसको चाकू के हेल्प से हम इस तरह से बीच से स्प्लिट कर देंगे. अब हम इसमें वो मिक्सचर को अच्छे से मिलाकर अंदर भरते जाएंगे कुछ इस तरीके से. ये जो है मेरी मामी, मेरी मम्मा और मैं तीनों मिलके भर रहे थे. अब यहाँ मेरी मम्मा मिक्सचर का टेक्सचर चेक कर रही थी कि ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं हो गई. एंड फाइनली हमें एक्सपर्ट ने दिखाया, जो है मेरी मम्मा, कि कैसे भरा जाता है फटाफट और एकदम इजी तरीके से. सो देखिए वो किस तरह से भर रही हैं. You just have to take the extra मेथी out. Make sure अगर ज़्यादा मेथी अंदर गया तो वो कड़वी लग सकती है, इसीलिए जितना ज़रूरत है उतना मेथी भर के बाकी का हम बाहर खींच लेते हैं. Finally it's done. देखिए कितनी खूबसूरती से हमने सारे मेथियों को मिर्ची के अंदर भर दिया है. अभी हम इसको ऐसे धूप में सुखाने रख देते हैं for several days. जब मिर्ची पूरी तरह से सूख जाए वो कुछ इस तरह से दिखती है. देखिए कितनी ही खूबसूरत है. और finally हमें बस कढ़ाई में तेल गरम करके उसको तलना रहता है. और जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन टर्न हो जाता है हम उसको कढ़ाई से निकाल देते हैं. मेक श्योर कि अब ज़्यादा ना तले वरना वो जल जाती है. टडा, एंड फाइनली आवर मेथी मिर्चा इज रेडी टू हीट. एकदम क्रिस्पी, क्रंची और चटपटी है ना, मज़ेदार. तो देख लिया कैसे बनता है मेथी मिर्चा. मुंह में ही पानी आ गया, राइट? जी हाँ, वो एकदम ही मज़ेदार होती है, तीखी होती है, करारी होती है और चटपटी होती है. बस और क्या चाहिए एक इंडियन फैमिली के लिए, तीखा, चटपटा और कुरकुरे तो हमें चाहिए ही चाहिए. तो एकदम
सिंपल वे में आप अभी के अभी उठ के मेथी मिर्चा बना सकते हैं। अगर आप ऐसे मिर्ची खाना पसंद करते हैं और आपके घरों में या फिर आप फार्मिंग करते हैं, आपके पास छोटा सा वेजिटेबल गार्डन है और उसमें अगर इस तरह की मिर्चियाँ आ रही हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर आजमाइए। आजमाने के बाद मुझे कॉमेंट करके नीचे बताइए कि आपको मेथी मिर्चा कैसा लगा। अगर आपको आज का ये रेसिपी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जाते जाते गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम रॉक एंड रोल विद अंकिता। जाते जाते गाइस मैं आपसे एक खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं एक ब्लॉगर तो थी ही और इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको जैसे कि पता है रॉक एंड रोल विद अंकिता, मैं अपने व्लॉग्स के बारे में मैं कुछ रील्स सब कुछ शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं आपसे बात करूँगी एक नए इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में जिसका नाम है अंकिता लव एंड लाइट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अंकिता ने अब क्या किया। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम अ सर्टिफाइड टैरोट रीडर नाउ। जी हाँ, और इंस्टाग्राम अकाउंट में अंकिताज लव एंड लाइट इसी के बारे में है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो मुझे पूछना हो, आपको किसी चीज़ का सल्यूशन चाहिए, रेमेडी चाहिए, कुछ भी हो, तो चलिए हम इंस्टाग्राम में अंकिताज लव एंड लाइट में बात करते हैं। आप अपना क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आई विल बी एंटरटेनिंग ओनली टू क्वेश्चन गाइस। मैं 21 डेज के लिए फ्री कैंप चला रही हूँ जहाँ पे मैं सबको फ्री टैरोट रीडिंग दे रही हूँ, बट मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस लूंगी। तो चलिए हम उस और मिलते हैं इंस्टाग्राम में। जितना भी जर्नी रहा है, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है और अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस नए जर्नी में आप मुझे ज़रूर साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लव टू यू गाइज एंड लव एंड लाइट्स टू यू ऑल।